नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स में वी एस एजुकेशन हब में। आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पोर्टेंट डीआई के सेशंस, राइट। डीआई के कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कशंस करेंगे जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लाइन ग्राफ भी डीआई है और एक टेबल स्पेस पर डीआई पूछा गया था आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम्स में 2019 के एग्जाम्स में, राइट। तो जिनका भी एग्जाम्स है आईबीपीएस पीओ प्री 2020 का, राइट, 3rd of October को, उनके लिए एक हेल्पफुल सेशंस रह सकता है, क्योंकि इस सेशंस में अपन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूरे के पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। दो डीआई सेट हम मेरे को मिले हैं, दो डीआई सेट अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस में नहीं समझ में आता हो तुरंत टाइप कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को शेयर कर लें। अच्छा लगे आपको वीडियो तो प्लीज लाइक बटन पे भी प्रेस जरूर कीजिएगा। ओके, देखिए कल कुछ मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं, जैसे अप्रोक्सीमेशंस का कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज जाइए देखिए। अप्रोक्सीमेशंस अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं लास्ट ईयर के, जिनको एक लेवल चेक करना हो कि एग्जाम से पहले एक बार लेवल अपना चेक हो जाएगा कि किस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर, ताकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, एक कॉन्फिडेंस से अपन एग्जाम्स में जा सके। तो वह मेरे क्वेश्चंस दे सकता है, वीडियो में अवेलेबल है। और अगर आपको चाहिए लिंक तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। अदरवाइज सेम थंबनेल लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज भी देखिए, मिसिंग नंबर सीरीज अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस, एंड देन नाउ टुडेज आई एम हियर टू डिस्कस डीआई सेट, राइट। डीआई सेट भी अपन डिस्कशंस कर रहे हैं। तो लेकिन अब करीबन करीबन आपके अप्रोक्स लगभग थर्टी क्वेश्चंस अप्रोक्स अपन कवर कर चुके हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस एक तरह से कहें तो मार्क्स आपकी कवर यहाँ तक मैं करवा चुका हूँ, राइट। तो इसमें से माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने अच्छे से ये क्वेश्चंस लगवा लिए, राइट, अच्छे से लगा लिए, प्रैक्टिस कर लिया है, देख लिया है, तो 100% आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और एग्जाम्स में इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो प्लीज देख लीजिएगा लास्ट के वीडियो, सारे के सारे देख लीजिएगा जो लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, राइट, और एक बार पैटर्न देख लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। एंड अगर आपको अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी हो माय डियर एस्पिरेंट्स, अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे वह डीआई सेट हो, राइट, ये सर हमको अच्छे क्वेश्चंस चाहिए ताकि एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो, चाहे अर्थमेटिक के आपके क्वेश्चन हो, राइट, चाहे आपके मिसिंग नंबर सीरीज हो, चाहे आपके रॉन्ग नंबर सीरीज हो, राइट, चाहे आपके अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन हो, किसी भी पर्टिकुलर इनमें से अगर आप कुछ चाहिए तो नीचे टाइप करना, सर हमको अर्थमेटिक के क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको एक ऐसा पीडीएफ सेंड कर दूंगा जिसको कि आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम्स में आपकी हेल्प जरूर होगी। पीओ प्री लेवल के क्वेश्चन हैं, 100% हेल्पफुल क्वेश्चन आपके रहेंगे। चाहे डीआई सेट आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, ऐसे 10 डीआई आपको दे दूंगा, सॉल्व करके जाइएगा, एग्जाम्स में डिट्टो देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सेम पैटर्न है, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस करना है तो अपनी मेल आईडी है, जो जी मेल्स हैं, राइट, जो जी मेल्स हैं वह कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं वहां पर आपको मेल सेंड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए, आप रियली हॉनेस्टी के साथ बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका यहीं पर है, तो ही आप इस मेल आईडी अपनी दीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस 100% प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, अगर हिंदी में आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स हो तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में जरूर आएंगे। डायरेक्शंस देखिए, 1 से 5 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, राइट, गिवन द लाइन ग्राफ, एक लाइन ग्राफ आपको दे रखा है, शोज द डेटा ऑफ मेल्स एंड फीमेल पॉपुलेशन, मेल्स और फीमेल्स दोनों की पॉपुलेशन है, 5 different cities, 5 different cities, ए बी सी और डी और ए, ये 5 different आपके सिटीज हैं, राइट,
रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, एक डीआई लगभग आपके 2 डीआई पूछ सकता है एग्जामिनर। 35 नंबर के मैथ का पेपर्स आता है, इसमें 35 क्वेश्चंस पूछता है, लगभग 2 डीआई सेट तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है 3 भी पूछ ले। एक कैसलेट डीआई आपको दे सकता है। 2 डीआई मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक आपका लाइन ग्राफ है, एक आपका टेबल स्पेस पर है। एक आपका बिल्कुल ईजी होगा, एक आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, राइट। तो दोनों को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा इजी डीआई है, राइट। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस समझ में आया आपको। एक डेटा है लाइन ग्राफ में, उसमें मेल्स और फीमेल्स है, 5 डिफरेंट सिटीज हैं, मेल्स और फीमेल्स के लाइन ग्राफ में दे रखे हैं, अपने को उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ओके देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंट द टोटल पॉपुलेशन, टोटल्स पॉपुलेशन यानी कि मेल्स और फीमेल्स की होती है, राइट। अब सिटीज ए, सिटी ए में टोटल्स पॉपुलेशन इज मोर देन, मोर और लेस देन सिटी ऑफ डी, यानी कि ए की जो पॉपुलेशन से डी से, माय डियर स्टूडेंट्स, जिससे कंपेयर करना होना वह हमेशा नीचे आता है, राइट। ओके इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, अभी कैसे बताऊंगा देखिएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए यानी कि 300 और 400 आपकी मेल्स और फीमेल्स है, 3 और 400 कितना हुआ, दैट मीन्स आपके 700 आपकी यहाँ पर हुआ, राइट। और डी में पूछा है डी में कितना है, डी में ये रहा 450 और 550, 4 और 5 आपके 100, आपके 4 और 5 900 प्लस 150 और 50, तो दैट मीन्स 1000, 1000, राइट। ये आपका डी का है और ये आपका ए का है, पूछा क्या है तो कितना परसेंट मोर है, दैट मीन्स 300, कितने से डी का पूछा है तो डी से अपने को कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जिससे अपने को कंपेयर करना हो उसी से अपन नीचे रखते हैं, याद रखिएगा। इन 200 से मल्टीप्लिकेशन करना है, परसेंटेज पूछा है तो 230 से 30 ये निकल जाएंगे, 20 और इवन 0 बचा कितना, दैट मींस 30% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि 30% ज्यादा है, राइट, डी का। क्लियर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन से, व्हाट इज एवरेज मेल पॉपुलेशन इन ऑल सिटीज, एवरेज मेल पॉपुलेशन पूछा, एवरेज मतलब हमारे सभी का 500 सिटीज में योग, राइट, ब्लू लाइन का मेल्स यानी कि ब्लू लाइन है, राइट। तो एवरेज निकाल लेते हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वहां पर आपको सॉल्व कैसे करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। ब्लू लाइन है तो 300, राइट, एंड देन 550, राइट, एंड देन 500, एंड देन आपकी 450, एंड देन आपकी 350, राइट, 350। देखिए दो तरीके से एवरेज आप निकाल सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझा सकूं, आपको डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट करना 3 और 3 यहाँ पर 550, यहाँ पर स्टेप से आपको सॉल्व करना है वहां पर। अब देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, फर्स्ट तरीका मैं आपको बता दूं जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं, बट आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको डिफरेंट वे पर करना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। देखिएगा 300 प्लस 500, 800, 8 प्लस 5 आपकी 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17, 17 और यहाँ पर 50 और यहाँ पर आपका 50, 18, 18 प्लस 3 21, 21, 50। एक तरीका आपका ये है, और डिवाइड बाई यहाँ से आप 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, क्योंकि 5 डिफरेंट सिटीज हैं, तो यहाँ से क्लियरली निकाल सकते हैं, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए और इसको भी 2 टाइम्स कर दीजिए, आंसर्स आपके आ जाएगा, राइट। तो इसको 2 टाइम्स करेंगे, 215 का डबल होता है 430 और 10 आपका कॉमन है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया 2 से, तो 10 से 10 निकाल दिया, आंसर्स आपके आ गया 430, राइट। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, दैट इज द यह पैटर्न है जो अपने को अप्लाई नहीं करना है। आपको एग्जाम्स में किस बेसिस पे ध्यान रखिएगा, ये तो संख्याएं थोड़ी इजी है,
और इससे से थोड़ी मोटर केबल की संख्याएं होना। तो हमेशा ध्यान कीजिएगा, एवरेज को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका जो 100% स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, देखिएगा राइट। एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी तरीका आप इसको भी फॉलो करते हैं, ये भी तरीका सही है, कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है राइट। देखिएगा 300 यहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपका 550। अब देखिए इसमें एक चीज आप कॉमन लेके चलिए राइट, एक चीज आपके कॉमन लेके चलिए, आपका क्वेश्चंस बिल्कुल सही जाएगा। एक चीज कॉमन ले लीजिए, दैट मीन्स अपन ने 400 यहाँ पर कॉमन ले लिया राइट, 400 अपने कॉमन ले लिया यहाँ पर 400। अब देखिए 400 से मल्टीप्लिकेशन, 400 से डिवाइड करते चलिए, 300 400 से कम है तो माइनस का 100, ये आपको मन में करना पड़ेगा। ये आपका प्लस का 150 है, तो प्लस का अपन ने 150 यहाँ पर लिख दिया राइट। 400 से ये 100 ज्यादा है, तो 100 प्लस का, 400 से 50 ज्यादा है, तो 50 अपन ने यहाँ पर प्लस का लिख दिया। 400 से 50 कम है, तो यहाँ पर अपन ने 50 लेस कर दिया। तो माइनस रिस्पॉन्स कितना बचा, देखिए 100 और 50, 150 आपकी माइनस का है, तो 150 यहाँ पर प्लस का, दोनों इक्वल हो गए, बचा कितना 150, 150 अपॉन 5 टाइम्स इसको करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ से देखिए, दैट इज द 5 3 15 यानी कि 30, तो 4 + 400 + 30 इज इक्वल टू 430। आंसर सेम है बट थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे राइट। कभी कभार संख्याएं आपको इस प्रकार दे दी जाती है 60 90 राइट, 60 66 57 राइट, इस प्रकार संख्या मिलती है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यही पैटर्न, क्योंकि इनको ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क बन सकता है। ओके क्लियर हुआ, समझ में आया, कुछ चीज़ें सीखने को मिली तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके इफ इन सिटी ए, यानी कि सिटी ए की बात हो रही है, द रेशियो ऑफ मेल्स ग्रेजुएट, यानी कि मेल्स जो ग्रेजुएट हैं, और टू फीमेल्स ग्रेजुएट, यानी कि मेल्स ए में जो मेल्स ग्रेजुएट हैं और फीमेल्स ग्रेजुएट का रेशियो अपने पास गिवन है, एंड द टोटल्स ग्रेजुएट 3:4 है, और टोटल्स ग्रेजुएट है सिटी 70% ऑफ द टोटल्स पॉपुलेशन, यानी कि ए में 70% आपकी जो टोटल्स पॉपुलेशन होगी उसका 70% है जो कि आपकी ग्रेजुएट है राइट। क्वेश्चंस पूछ लिया इसने उल्टा, व्हाट इज द, फाइंड द पॉपुलेशंस ऑफ फीमेल्स हु आर नॉट ग्रेजुएट, जो उन्होंने पहले अपने को ग्रेजुएट निकालने पड़ेगी राइट। तो देखिएगा 70% है ग्रेजुएट टोटल्स का, ए में अपन ने निकाला था दैट मीन 700 है, इसका 70% 70% इसका हो गया 490 इसका 70% है, इसको 3:4 में डिवाइड करना है, यानी कि 3 ये है, 4 आपकी, 3 आपके मेल से और 4 आपकी फीमेल से, तो 7 हो गया इसका योग, 7 से डिवाइड किया दैट मीन्स 70 टाइम्स, तो 70 × 3 दैट मीन्स 21, 70 × 4 दैट मीन्स 280 राइट, 280। तो फीमेल्स आपकी टोटल्स तो ए में माई डियर स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स आपकी 400, जिसमें अपने पास ग्रेजुएट है 280, तो यहाँ पर अपन 280 इसमें से लेस कर दीजिए, आंसर्स आपके सामने आएगा। 280 अपन ने लेस कर दिया, बचा 2300, तो 120 आपका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके समझ में आया, इज इट क्लियर, यस या नो प्लीज टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर होता जा रहा है थम्सअप दे दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप सबको पता है थम्सअप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एक मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए, एंड सिटी बी एंड सी, एक सिटी आपकी दे रखी है बी और सी की बात हो रही है, रेशियो ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर राइट 7:8 है, टोटल्स पॉपुलेशन हु इज पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी बी इज इक्वल टू द टोटल्स पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए राइट।
जो पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन से वो सिटी ए के बराबर है। माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, टोटल्स पॉपुलेशंस ऑफ पॉपुलेशंस हु इज पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी बी इज इक्वल टू द टोटल्स पॉपुलेशंस ऑफ सिटी ए, यानी कि जो टोटल्स पॉपुलेशंस होगी, ए की पॉपुलेशंस है माय डियर स्टूडेंट्स 700, राइट। यहाँ 1:3 है, 1:3 है, ओके। ऑप्शंस में हो सकता है गलती हो सके, राइट। देखिएगा टोटल्स पॉपुलेशंस ए, यहाँ से क्वेश्चंस का क्लू अपने को मिल गया है। इट मींस अपने पास बी की जो ए की है पोस्ट ग्रेजुएट जो इक्वल पॉपुलेशंस, ए की पॉपुलेशंस कितनी है 700 जो कि इक्वल है आपके बी के पोस्ट ग्रेजुएट से। टोटल्स पॉपुलेशंस हु इज पोस्ट ग्रेजुएट इन बी, यानी कि बी के बराबर है। तो बी का अपने पास रेशियो गिवन है, रेशियो इज इक्वल टू 700, 7 की वैल्यू 700 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट्स 100। तो यहाँ से बी की वैल्यू भी अपने पास आ गई और सी की वैल्यू भी अपने पास आ गई। बी इज इक्वल टू 700 है तो सी कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 7 की वैल्यू 700 और 8 की वैल्यू दैट मीन्स इनटू 100 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स आपकी 800 आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हुए सी में, राइट। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन बी एंड रेशियो पूछा बी टू दैट ऑफ सिटी सी, राइट। सिटी सी और सिटी सी में और सिटी बी में अपने के पास नॉन पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि ये तो जो है आपके ग्रेजुएट हैं, और नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे, यानी कि 700 माइनस सी में टोटल्स पॉपुलेशन कितनी हुई 4 और 5, 900, यानी कि 200 आपकी, देखिए बी सी में, राइट। सी की बात हो रही 800, यानी कि 900, 100 आपकी सी में हो गई, राइट। 100 आपकी सी में हो गई। बी का पूछा, बी का टोटल्स देखिए 550 ये रहा और 450 ये रहा, 4 और 5, 9 प्लस 1000, 1000 माइनस 700 आपका बचा दैट मीन्स 300, राइट। 300, तो बी टू दैट ऑफ सिटी सी द आंसर आएगा आपका माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द 1:3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 800 से माय डियर स्टूडेंट्स एक सेकेंड देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट अपने पास दे रखा है बी क्या है 700 और सी क्या है 800, जिसमें बी की टोटल्स पॉपुलेशंस हैं आपकी 450 और 550, 4 और 5, 950 प्लस आपके 1000, यानी कि बी का बचा आपका 300, राइट। और सी का कितना बच गया देखिएगा, 800 यहाँ पर है सी का, देखिए 4 और 5, 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1:3, राइट। बी का पूछा है तो 3:1 आपके 1 होगा। आंसर्स अगर पूछे आपको रेशियो पूछा है पॉपुलेशंस बी टू सिटी दैट ऑफ सी, यानी कि 3:1 आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। याद रखिएगा 3:1 इज द, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शंस आपका सही है, 3:1 ही करेक्ट है, सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके समझ में। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशंस इन सिटी सी इज मेल पॉपुलेशंस ऑफ सिटी ए, राइट। यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। यह तो था आपका एक डीआई सेट जो कि लाइन ग्राफ था, राइट। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा वीडियो, कुछ चीज़ें सीखने को मिली, तो प्लीज़ थम्सअप देते चलिएगा, न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट तक पहुँचे ताकि पता चल सके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6-10 है जो कि टेबल्स फॉर्मेट पे डीआई है। पढ़िए क्वेश्चन को देखिए, तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। In the tables, the details of total number of students and students in class 10 is given. Schools दे रखी है ABC, 3 schools है। इसमें से total number of students males plus females दोनों मिला के हैं ये इतने। इसमें से class 10 में पढ़ने वाले 48 है, 64 है और 80 है, right? इसमें से females के numbers भी अपने पास given है।
क्लास 10 में 48 मेल्स प्लस फीमेल्स है, और फीमेल्स का अलग से गिवन है 12 है, तो टोटल मेल्स कितने हुए, 36 आपकी मेल्स हो गई। यहाँ पर कितने हुए, 44 आपकी मेल्स हो गए। 80 माइनस 25 के माई डियर एस्पिरेंट्स, तो दैट मीन्स 55 आपकी मेल्स हो गए, यानी कि ये मेल्स का इस टाइप से आपको निकाल लेना है। ओके, सीधे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखिए, 6th नंबर पे, इन स्कूल सी, एक स्कूल सी की बात हो रही है, इनके लास्ट स्कूल्स हैं। द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन क्लासेस अदर देन 10 इज 101, राइट? 101 है क्लास 10 में फीमेल, यानी कि फीमेल्स ऑलरेडी अपने पास गिवन है 25। उसके बाद और है आपके 101, टोटल फीमेल्स कितने हैं, 126 आपकी फीमेल्स हो गई। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल सी आर फीमेल, एंड टोटल्स में से कितना परसेंट हुआ, तो 126 माइनस टोटल से 360, ये इसका कितना परसेंटेज है, तो आप निकाल सकते हैं हमारे रेस्पॉन्स। 10 से 10 ये निकल गया, 360 यहाँ पर है, 6 से निकाल दीजिए, 6 से 6 टाइम्स ये निकल गया, और 6 से 2 टाइम्स और 1 टाइम्स ये निकल गया, राइट? 3 2 जा और 3 7 जा, 7 और आपकी ये आपके सीधा का सीधा 5 टाइम्स निकल गया, दैट मीन 7 इंटू 5 आपके आंसर आएगा 35%। 35% सी ऑप्शन आपका क्लियरली आंसर होगा, राइट? क्लियर, समझ में आया यहाँ तक अगर आपको, तो प्लीज लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स स्टूडेंट इन क्लास 10, मेल्स पूछा है क्लास 10 में ऑफ स्कूल्स ए एंड दैट ऑफ स्कूल्स बी। यहाँ पर 36 आपकी मेल्स आएंगे, यहाँ पर 20-44 आपकी मेल्स आएंगे, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 और 4। देखिए 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो 8 का आपका डिफरेंस हो गया, 8 का। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स नंबर ऑफ मेल्स स्टूडेंट्स इन क्लास 10 में, क्लास 10 में पूछा है मेल स्टूडेंट्स कितने होंगे ऑफ स्कूल्स ए एंड दैट ऑफ स्कूल्स बी, बी और ए में क्लास 10th में कितने होंगे, तो देखिएगा मेल्स स्टूडेंट में दोनों में डिफरेंस, तो 48 मेल प्लस फीमेल्स हैं, राइट? 48 जिसमें से फीमेल्स गिवन है 12, तो 12 माइनस 48 करेंगे तो 36 आपकी ए में ही आएगा, राइट? और सी की बात, बी की बात करें, 64 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है, तो 64 माइनस 20 करेंगे तो 44 आपकी यहाँ पर आएगा, तो 36 माइनस 44 आपका होता है 4 प्लस 4, 8 का ही डिफरेंस होता है, तो 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके ओके, तो 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ सकता है। एक सेकंड क्वेश्चंस को देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे हिसाब से 64, एक सेकंड डेटा देख लेते हैं, 64 और 10, राइट? 64 और 10 है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स 10 होगा, 10 होगा तभी आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपका 10 है, 60 यहाँ पर 10 और ऐड कर देते, दैट मीन्स 54 आएगा यहाँ पर, नॉट 44, तो यहाँ पर डिफरेंस 18 का डिफरेंस बिल्कुल सही है, राइट? तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इन स्कूल्स ए, एक स्कूल्स की बात हो रही है ए में, देर आर ओनली 3 क्लासेस, 8, 9 और 10, 3 क्लासेस हैं, इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल्स प्लस फीमेल्स इन क्लास 8 एंड क्लास 9 55:46, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल्स एंड फीमेल्स क्लास 8, राइट? ए में ओनली 3 क्लासेस हैं, एक ए में 8th और 9th और 10th, राइट? 3 क्लासेस हो गई, 8th और 9th का अपने पास रेशियो है, राइट? 55 और 46 अपने पास रेशियो गिवन है, तो माड़ी रेस्पॉन्स टोटल स्टूडेंट है, यहाँ से निकाल सकते हैं 250, राइट? 250 अपने पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 48 अपने पास निकल जाएंगे, जो कि है आपकी मेल्स और फीमेल्स 10th क्लास के, तो कितने बचे हमारे रेस्पॉन्स, 250 माइनस 48 इज इक्वल टू 202, 202 है, ये आपको क्लास 8th में डिवाइड करना है और क्लास 9th में डिवाइड करना है, तो रेशियो भी गिवन है, क्लियरली निकाल सकते हैं 55:46,
55 रेशियो 46, तो यहाँ पर रेशियो का अनुपात पूरा टोटल्स कितना योग हो गया 1, यहाँ पर 101, राइट 101 की वैल्यू 202 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई दैट मीन्स 2, राइट तो 55 हो गया तो विच मीन्स 110, 46 हो गया तो दैट मीन्स आपकी 46 आपकी 92, राइट 92। अब पूछा किसका है अपने को क्वेश्चंस में, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल्स एंड फीमेल्स इन क्लास 10, ओनली फॉर क्लास 10 में पूछा है, क्लास 8 में, सॉरी क्लास 8 का ये है 110 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेल्स फीमेल्स का कोई रेशियो अपने पास गिवन नहीं है, अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके तो अगर यहाँ पर पूछ लेता मेल्स का तो अपने थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, अपने यहाँ पर एक ऑप्शन और होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वह अपने को टिक करना था, राइट। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, इन स्कूल्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल्स मेल्स प्लस फीमेल्स इन क्लास अदर देन 10 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल्स प्लस फीमेल्स इन क्लास 10, राइट। स्कूल्स बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेल्स और फीमेल्स मिला के अदर देन क्लास 10 से, राइट, क्लास 10 को छोड़कर बी में, तो देखिएगा 480 आपकी क्लास बी में है, 64 क्लास 10 में है, तो इसको लेस कर दीजिए ताकि अदर देन क्लास 10 आ जाएगा, 64 इसमें से लेस कर दिए तो कितने आएगा देखिएगा 416। और पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल्स प्लस फीमेल्स इन परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंट ज़्यादा है ये आपका, कितने परसेंट ज़्यादा है क्लास 10 से, तो 64 यहाँ पर है और माइनस का 64 अपने को करना पड़ेगा इन 200 अपने को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 241 माइनस 6 तो दैट मीन्स आपके कितना बचा दैट मीन्स 35, यहाँ पर आपका बचा 64, ये इसका कितना परसेंटेज है ये अपने को निकालना है, राइट ये अपने को निकालना है, तो हमारी रेस्पॉन्स क्लियरली निकाल सकते हैं 60 का अगर 5 टाइम्स करेंगे 64 का 5 टाइम्स करेंगे तो 320 अपने पास आ रहा है, इट मीन्स 500% तो एब्सोल्युटली होगा। अब चांस ले सकते हैं 550 का आंसर्स देखिए, क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं, क्लियरली नजर आएगा देखिएगा 320 है, 320 से कितना ज़्यादा है क्लियरली विजिबल से 30 + 32, यानी कि 32% ज़्यादा, यानी कि 50% इसका है, तो 50% यहाँ पर ऐड कर दीजिए, आंसर्स आपके पास आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्लियर, इज इट क्लियर, यस या नो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके नहीं समझ में आया तुरंत पूछिए, समझ में आया तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं मेल्स और फीमेल्स का क्लास 10 अदर देन, यानी कि क्लास 10 को छोड़ देना है, तो अपन ने छोड़ दिया। देखिए बी के जो स्टूडेंट्स है 480, क्लास 10 के 64 है, तो अपन ने लेस कर दिया, अपने पास है 416। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है कि यह जो क्लास 10 में स्टूडेंट है उनका ये कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो अपन ने ज़्यादा है 352 है, किससे क्लास 10 में जो स्टूडेंट्स है, यहाँ से अपन परसेंटेज 64 का 5 टाइम्स करेंगे तो अपने पास आएगा 320, तो यानी कि 500% तो एब्सोल्युटली होगा, और बचा कितना 32, तो 32 64 का 50% होता है, आंसर इज द डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि सर इसका आंसर्स ये होगा। ओके प्लीज जरूर टाइप कीजिएगा इसका आंसर्स। ओके रेशियो बताना है आपको ओनली फोर। ओके सेशंस को एंड अप करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, राइट अच्छा लगा तो मेहनत मेरी अच्छी लगी, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, किसी भी क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो अपनी मेल आईडी कोई भी हो अपनी मेल आईडी आप बता दीजिएगा, मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा कि सर हमको क्वेश्चन चाहिए, आप मेल आईडी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं 100% क्वेश्चंस आपको दूंगा बहुत ही अच्छे लेवल पे। ओके
तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंट्रेंस प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखिए और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और टाइम का विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।